जी हम बात कर रहे थे ये सिलीनियम जो है ना वो भी इसका प्रोटेक्टिव रोल देखा गया, और बेसिकली सिलीनियम और विटामिन ई जो है ना ये मिलके जो है ना बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं, और रिस्क फैक्टर्स जो है ना वो स्पेशली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर्स का कम किया जा सकता है अगर सिलीनियम और विटामिन ई के लेवल्स जो है वो बॉडी के अंदर ज्यादा होंगे या बेहतर साइड पे होंगे। कंट्रीज विद हाई सिलीनियम लेवल्स इन सॉइल सच एज वेनेजुएला हैव मच लोअर कोलन कार्सिनोमा एज कंपेयर टू कंट्रीज विद डेफिसिट सिलीनियम इन द सॉइल सच एज यूएसए। सो ओवरऑल वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज अ माउंटिंग एविडेंस दैट सिलीनियम डेफिशिएंसी मे प्री डिस्पोज टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। सो इनटेक ऑफ कैल्शियम इन थ्रू फूड एंड इफ इट इज नॉट अवेलेबल थ्रू फूड देन थ्रू सप्लीमेंट्स इज सजेस्टेड। अनफॉर्चुनेटली डाइट्स दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट सम कैंसर्स आर एसोसिएटेड विद आल्सो इंक्रीज इन द प्रेवलेंस ऑफ कैंसर एट अदर साइट्स। ठीक है, यानी एक डाइट जो है वो एक हद तक तो कैंसर रोकने में रोल प्ले कर रही है लेकिन दूसरे कैंसर को प्रमोट भी कर रही है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी है, एशियन सोसाइटी जो है, इसमें सीरियल कल्चर इसको हम बोलते हैं, सीरियल बेस्ड डाइट्स में वो ज्यादा यूज की जाती है इन साउथ एशिया एंड इन जापान, एंड इन दीज डाइट्स आर रिच इन फाइबर और स्पेशली इनका जो इनसॉल्युबल फाइबर कंटेंट है वो ज्यादा होता है। अब इसके नतीजे में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हैव हाई प्रेवलेंस ऑफ स्टोमिक एंड एसोफिजियल कैंसर वेयर एज द इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कॉलन एंड प्रोस्टेट कैंसर इज डिक्रीज्ड। ठीक है, एक तरफ तो ये प्रोटेक्टिव है लेकिन दूसरी तरफ जो है वो नुकसान भी करती है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी हमें डाइटरी असेसमेंट करके तो जुडिशियल यूज जो है ना उसके ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, मोनोटोनियस डाइट जो है ना वो किसी भी सोसाइटी के अंदर जाना वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो मीट ईटिंग कल्चर सच एज यूएसए शो एग्जैक्टली दी अपोजिट कैंसर पैटर्न। ठीक है, तो मीट कल्चर सोसाइटीज जो है वो यूएसए की अगर हम देखें तो वहां पे हमें ब्रेस्ट कॉलन और प्रोस्टेट कैंसर जो है वो ज्यादा नजर आते हैं और अल्टीमेटली स्टोमिक और एसोफेजियल कैंसर जो है हमें कम नजर आते हैं। ठीक है, तो ये अगला टेबल जो है ये भाई समराइज करता है बेसिकली जो अभी तक हमने डिस्कस किया स्पेशली कैंसर के हवाले से कि डाइटरी फैक्टर्स जो है ना वो कैंसर के ऊपर बड़ा स्ट्रांग इन्फ्लुएंस रखते हैं। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं। इसमें एक तरफ आप देखें तो कैंसर की टाइप्स लिखी हुई है, चाहे वो लंग है, एसोफेजियल है, स्टोमिक, पेंक्रियास, कॉलन और स्किन रिलेटेड कैंसर्स हैं, और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो हमें न्यूट्रिएंट्स का इम्पैक्ट जो है वो नजर आता है। तो इन सब के अंदर जो है वो एक चीज कॉमन है कि जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो वाइटामिन सी और वाइटामिन ए एनरिच्ड फूड्स हैं उनका इंटेक जो है वो प्रोटेक्टिव रोल शो कर रहा है। ठीक है, जबकि इसके मुकाबले में फॉर एग्जांपल ये पिंक्रियाटिक कैंसर में अगर हम देखें तो इंक्रीज्ड रिस्क विद बटर फ्राइड एंड ग्रिल्ड मीट जो है वो हमें नजर आता है। ठीक है, तो कॉमन चीज सिर्फ एक इसमें से याद रख लें कि हाई इंटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है प्रोटेक्टिव इफेक्ट अगेंस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ कैंसर्स। एक्सरसाइज और हेल्थ को अगर हम स्टडी करें तो इनका भी हमें बड़ा स्ट्रांग जो है वो इंट्रैक्शन जो है वो आपस में नजर आता है। तो मॉडरेट एक्सरसाइज जो है ये सजेस्ट की गई है फॉर लॉन्गर लाइफ स्पैन। ठीक है, तो मॉडरेशन के अंदर रहते हुए अगर एक्सरसाइज की जाती है तो इंडिविजुअल्स की जो लाइफ है वो उसको लाइफ स्पैन को बेहतर किया जा सकता है। अब ये कैसे बेहतर करती है, बिकॉज इट हैज बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन लॉट ऑफ सिस्टम मीन्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स, बोन एंड मसल्स। सो अल्टीमेटली स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड मसल्स में डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ हिप फ्रैक्चर। ठीक है, तो अगर एक्सरसाइज हम थ्रू आउट द लाइफ एक हैबिट के तौर पर डेवेलप कर लें तो अल्टीमेटली चांसेस ऑफ जो हिप फ्रैक्चर्स हैं उनको कम किया जा सकता है। और इस रीजन क्या है कि हमारी बोन्स और मसल जो है वो स्ट्रॉन्गर साइड पे चली जाएंगी। एक और बेनिफिट है भी एक्सरसाइज का कि ये कैंसर को कम करती है, और कैसे कम करती है कि ये नेचुरल किलर सेल्स जो बॉडी में डेवलप होते हैं उनको प्रमोट करती है और अल्टीमेटली दे स्केवेंज द कैंसर।
कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल्स की, तो नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो भी एक्सरसाइज करने से बॉडी में डेवलप होते हैं और अल्टीमेटली दे स्केवेंच द सर्कुलेटरी ट्यूमर सेल्स एंड अल्टीमेटली रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कैंसर डेवलपमेंट. ओवरऑल इट वुड सीम दैट माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज कैन हैव countless beneficial effects when introduced at almost any age. अच्छा, एक्सरसाइज के लिए कौन सी एज होनी चाहिए? अब एक ये भी आप कह सकते हैं कि भाई आप हमने क्या एक्सरसाइज करनी है, शुरू से तो हमने कभी की नहीं है. तो इसका आंसर ये आता है कि ये किसी भी एज में की जाए इसका बेनिफिशियल इम्पैक्ट जो है वो नजर आता है, और स्पेशली लेटर फेज में जाके इसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा ना. बॉडी जो है वो जितनी फ्लेक्सीबल होगी उतने जो है ना वो हेल्थ इश्यूज जो है वो कम होंगे. ठीक है, तो बहरहाल इसको इंडिविजुअल्स की कैपेसिटी के हिसाब से इसको टेलर करना चाहिए, जितना कोई टॉलरेट कर सकता है उस हिसाब से उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए. एक्सरसाइज प्रोग्राम्स शुड कंसिस्ट ऑफ एंड्योरेंस, रेजिस्टेंस, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोस्चरल एलिमेंट्स. अब एक्सरसाइज में भी आपने नाम सुना होगा कि वार्म अप एक्सरसाइज है. ठीक है, कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं कि जिनसे बॉडी को वार्म अप किया जाता है. तो एक्सरसाइज डिफरेंट टाइप्स की होनी चाहिए. इसमें ऐसी भी होनी चाहिए कि जिनसे स्टेमिना बढ़े, एंड्योरेंस बढ़े, ऐसी भी होनी चाहिए जिनसे बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस बढ़े, और रेजिस्टेंस बढ़ने से इम्यूनिटी का लेवल जो है वो स्ट्रांग होगा. बैलेंस जो है ना उसको बेहतर करने के, बैलेंस से मुराद क्या है, पोस्चरल बैलेंस जो है उसको बेहतर करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना उसको लाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होनी चाहिए. ठीक है, तो ये दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ गुड एक्सरसाइज. न्यूट्रिशन एंड लाइफ एक्सटेंशन पे एक और सिनेरियो जो है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. कुछ स्टडीज हमें ऐसी मिलती हैं कि जिनमें यह बताया जाता है कि अगर हम डाइट्री रिस्ट्रिक्शन कर लें, और डाइट्री रिस्ट्रिक्शन में क्या आता है कि 20% जो हम डाइट हम ले रहे हैं उसका 25% उसको अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर लें, तो अल्टीमेटली जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो है वो लॉन्गिविटी आ जाएगी. ठीक है, तो अभी इस डोमेन के अंदर बहुत सारा काम होने की जरूरत है. कुछ यहाँ पे मैकेनिज्म जो है इस पोर्शन के अंदर सजेस्ट किए गए हैं जो इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि हाउ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्पैन. ठीक है, तो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन लीड्स टू अ प्रोलोंगेशन ऑफ लाइफ स्पैन. और ये स्टडीज कहाँ से मिलती हैं, डार्सोफिला, ठीक है, यानी एनिमल्स में से जो सबसे सिंपल मॉडल है वहां से लेके रोडेंट्स मॉडल तक अगर हम जाएं तो हमें ये स्टडीज बताती हैं कि अगर हम उनकी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उनका डाइट्री इनटेक जो है वो कम कर देते हैं, अल्टीमेटली वही बिकम सक्सेसफुल इन एक्सटेंडिंग देयर लाइफ स्पैन. ठीक है, और ये 25% जो मैंने आप अभी आपसे बात शेयर की थी ये हमें वैल्यूज जो है वो रिपोर्टेड है. Anyhow, no single micronutrient or macronutrient appears to be specifically responsible for the lifespan extension. अभी तक किसी एक न्यूट्रिएंट का जिक्र नहीं हमें मिलता कि ये खाने से लाइफस्पैन को एक्सटेंड किया जा सकता है. हाँ, ये स्टडीज जो है वो जरूर हुई है कि ओवरऑल कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करने से, अप टू 25% रिस्ट्रिक्ट करने से लॉन्गेविटी कैन बी अचीव्ड. और इसमें जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म्स हैं वो यहाँ पे तीन लिखे गए हैं, इनको आप काइंडली खुद इनको जरा गो थ्रू कर लीजिएगा. बड़े सिंपल से मैकेनिज्म्स हैं. फॉर एग्जांपल, एक थ्योरी है जिसमें रिडक्शन इन फ्री रेडिकल जनरेशन की बात की गई है. तो ये हम कहते हैं कि जितना एंटीऑक्सीडेंट्स हम बेहतर लेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल जितना ज्यादा बेहतर होगा उतना ही फ्री रेडिकल बॉडी के अंदर कम जनरेट होंगे, उतनी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कम होगी, और अल्टीमेटली हमारी स्किन, हमारे ऑर्गन्स जो है वो बेहतर साइड पर रहेंगे और लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग करेंगे. इसी तरह सेकंड जो है वो टिश्यू ग्लाइकेशन की बात की जाती है. तो टिश्यू ग्लाइकेशन में बेसिकली क्या होता है, इसको कम करना. ठीक है, ये टेंडेंसी क्या है कि जिसमें ग्लूकोज जो है वो प्रोटीन के साथ और फैट के साथ जो है वो लिंक कर लेता है, बाउंड कर लेता है अपने आप को, टिश्यू लेवल पे जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस जो है ना बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो बेसिकली एक एनर्जी का हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है प्रोडक्शन का. इसके अलावा जो है वो डिले इन थायमिक
इन्वॉल्यूशन जो है ना इसकी बात की गई है, तो इसको आप काइंडली अच्छी तरीके से जरा इन तीनों पैरामीटर्स को जो है ना वो गो थ्रू कीजिएगा। थाइमिक जो है ना वो बेसिकली टी सेल्स के साथ एसोसिएटेड है, और टी सेल्स जो है वो हमारी इम्यूनिटी के साथ एसोसिएटेड है, तो जितनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उसी हिसाब से जो डिजीजेस के इंसिडेंसेस हैं, प्रेवलेंस है, ड्यूरेशन है, सीवियरिटी है, वो कम होगी और उससे जो लाइफ स्पैन है उसको एक्सटेंशन, तो इस थ्योरी के हिसाब से लाइफ स्पैन जो है वो एक्सटेंड हो जाता है अगर हम थाइमिक इन्वॉल्यूशन जो है उसको डिले करने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसके अलावा ये कुछ और भी मैकेनिज्म्स हैं जिनमें ग्रोथ हार्मोन्स और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वन जो है हाइपोथेसिस उसके ऊपर एम्फिसाइज किया गया। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जो है उनको कुछ जीन्स के साथ लिंक किया गया, जैसे एक साइलेंट इंफॉर्मेशन रेगुलेटर 2 का नाम है, SIR2 जीन है, तो ये जीन जो है वो बेसिकली यीस्ट के अंदर जो है ना जब स्टडीज की गई है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की, तो वहां पे इसको आइडेंटिफाई किया गया और रिपोर्ट किया गया और लिंक किया गया जो लाइफ स्पैन एक्सटेंशन है। और इसमें अगर हम मैमेलियंस के अंदर देखें, ह्यूमन के अंदर देखें, तो जो इससे मिलता जुलता जीन है जो सेम फंक्शन जो परफॉर्म करता है इसको SIRT का नाम दिया जाता है, SIRT, ठीक है। सो बिसाइड्स अल्टरिंग हिस्टोन डीएसिटाइलेशन प्रोसेस, सिर आल्सो सप्रेस दी P53 एंड FOXO मेडिएटेड एप्टॉन्स एंड इनएक्टिवेट्स दी प्रो एप्टोटिक फैक्टर BAX, ठीक है। तो एप्टोप्सिस जो है, एप्टोप्सिस के बाद ये सेल की नेचुरल डेथ को कहते हैं, तो बेसिकली ये जो P53 और जो फॉक्स जीन्स हैं, ठीक है, इनको इनएक्टिवेट करना, ठीक है, और इनसे जो है वो शेल्फ लाइफ जो है वो सॉरी जो लाइफ स्पैन जो है वो उसकी एक्सटेंशन मिलती है, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म जो है वो बेसिकली यहाँ पे लिखा गया कि ये इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 हार्मोन है और लेप्टन जो है उनका लेवल जो है वो कम करते हैं, और जो अडिप्टो नेक्टन जो है उसका लेवल जो है वो इनहांस करते हैं। इट शुड बी रियलाइज्ड दैट सच स्टडीज एट दीज कैन बी इंटरप्रेटेड एज डेमोंस्ट्रेटिंग दैट ओवर न्यूट्रिशन इज नॉट गुड फॉर द एनिमल्स, ठीक है। तो अब एनिमल्स की स्टडीज तो ये हमें साबित करती हैं कि ओवर न्यूट्रिशन जो है या अबंडेंस ऑफ कैलोरीज जो है ना उनके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और अगर हम कैलोरीज को कम करने में कामयाब हो जाते हैं तो थ्रू वेरियस मैकेनिज्म्स उनकी लाइफ जो है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो अब इसी कोशिश में कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के कुछ मिमेटिक्स, आप कह लें कि मिलती जुलती चीजें जो है ना वो नकलें उसकी जो है वो तैयार की गई हैं। तो जैसे ग्लूकोज का जो एक मिमेटिक है उसको हम कहते हैं 2-dihoxyglucose, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन को जो है वो हाइड्रोक्सिल के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया गया 2-hydroxyl ग्रुप्स के साथ जो है, तो अल्टीमेटली इसका जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो नहीं हो पाता, तो ये खाने से ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी, और ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो बॉडी के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी तरह एक और हमें जो स्टडीज मिलती हैं जो लॉन्गेविटी के हवाले से, उसमें स्पार्टन एग्जिस्टेंस की बात की जाती है। तो स्पार्टन जो है ना ये बेसिकली आप कह लें कि कुछ नेटिव कह लें और कुछ ट्रेडिशनल कह लें कि कुछ कम्युनिटीज हैं कि जहाँ पे ये रिपोर्टेड है कि लॉन्गेविटी जो है वो उनके अंदर ज्यादा पाई जाती है। तो इसमें स्पेशली मैं जिक्र करूंगा रशिया के अंदर जॉर्जियंस, जॉर्जिया भी भाई एक रीजन पाया जाता है और वहाँ के इंडिविजुअल्स हैं उनकी लाइफ एक्सटेंडेड है। अफगान इन खैबर पास, इसको तो आप जानते हैं ये हमारे एरियाज की बात ही हो रही है, तो वहाँ पे भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी लाइफ ज्यादा होती है, और इसके अलावा एक्वाडोर का एक रीजन है वहाँ पे भी लोगों की लाइफ ज्यादा पाई जाती है। तो इसको काफी अर्सा तक ना लोग स्टडीज के साथ ये साबित करते रहे कि हाई क्वालिटी जो इनकी लाइव्स हैं वो बेसिकली आना फ्रोजल डाइट है बेसिकली, ठीक है, कि उनकी डाइटरी के साथ उन्होंने लिंक किया कि ये डाइट्स कम लेते हैं और उसकी वजह से इनकी लाइफ जो है वो बेहतर है। लेकिन अब लेटेस्ट स्टडीज ये साबित करती हैं कि बेसिकली
they have the ability, basically unki inability to count correctly rather than to dietary and exercise habits. अब देखा गया है कि उनकी जो लंबी उम्र है ना उसमें जूट का एलिमेंट ज्यादा है, वो अपनी एज को प्रॉपर काउंट नहीं करते और उसको मिस रिपोर्ट करते हैं, ज्यादा रिपोर्ट करते हैं. जैसे अगर कोई 1980s में पैदा हुआ तो वो कह रही मैं तो तकरीबन जाना वो उस वक्त पैदा हुआ था जब पाकिस्तान बना था. इस तरह आप सुनते हैं लिंक की जाती है एज ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ जो है, तो मिस रिपोर्टिंग जो है ना उसकी वजह से भी कुछ हमें जो ह्यूमन स्टडीज मिलती हैं स्पेशली जिनको लिंक किया जाता है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करने से लाइफ को एक्सपेंड किया जा सकता है, लाइफ स्पैन को बेहतर किया जा सकता है, तो ये पुअर एविडेंसेस हैं. जबकि एनिमल स्टडीज हैं उनके अंदर काफी हद तक जो एविडेंसेस हैं वो जनरेट हो चुके हैं. तो अभी तक जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन हमें मिलता है इंडिविजुअल्स का वो 122 ईयर्स है, और एक फ्रेंच वुमेन जो है उसके अंदर ये रिपोर्ट हुई. और इसके अलावा यूएसए का हवाई का जो रीजन है, हवाई बेसिकली एक स्टेट है यूएसए की, वहां पे भी जो लॉन्गिविटी जो है वो ज्यादा नजर आती है, लोगों की जो एज है वो ज्यादा नजर आती है. और ये हवाई वाले भी जो है ना ये बेसिकली अपनी न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस के साथ इन चीजों को लिंक करते हैं कि ये कम जो है वो कैलोरी इनटेक लेते हैं जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ है वो ज्यादा एक्सटेंडेड है. कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इन मंकीज लोअर्स बॉडी टेम्परेचर एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर्स बट आल्सो कॉजेस एन इंक्रीज्ड लॉस ऑफ बोन्स फ्रॉम द हिप. अब एक स्टडी ऐसी है कि जिसमें मंकीज के ऊपर काम किया गया और देखा गया कि जब उनका कैलोरी इनटेक कम करते हैं तो पॉजिटिव साइड क्या है, उनका बॉडी टेम्परेचर डाउन साइड पे चला जाता है और उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाते हैं. ठीक है, तो अल्टीमेटली उनकी लाइफ जो है वो एक्सटेंड करती है. जबकि नेगेटिव इंपैक्ट क्या देखा गया कि उनके अंदर बोन लॉसेस बढ़ जाते हैं, मिनरल लॉसेस बढ़ने की वजह से, पोरसनेस आने की वजह से और डेंसिटी कम होने की वजह से हिप फ्रैक्चर के चांसेस जो है वो उनके अंदर ज्यादा बढ़ गए. ठीक है, तो अभी ये आप देख सकते हैं कि ये स्टडीज जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो अभी हमें इनमें से नहीं मिल रहा. अलबत्ता ह्यूमन के अंदर जो है ना वो काफी फैक्टर्स हैं जिनको लिंक किया जा सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर जस्ट लाइक मंकीज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जितनी कम होगी उतनी लाइफ बेहतर होगी, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड फास्टिंग ग्लूकोज इंसुलिन सी रिएक्टिव प्रोटीन्स. ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना वो लिंक की जाती हैं कि जितनी ये बेहतर होंगी उतना ही जो है वो ये जो लाइफ जो है वो एक्सटेंड करेगी या एक्सपैंड करेगी. लेकिन अभी तक ये सारी चीजें जो है वो हमें बेसिकली मीडिया के अंदर जो है ना इस तरह के जो हाइपोथेसिस जो है वो हमें ज्यादा नजर आते हैं. ठीक है, इसी तरह एक और एजिंग के वाले से थ्योरी जो है वो हमें नजर आती है. That the generation of free radicals causes tissue damage and ultimately death. ठीक है, तो इसके साथ फिर use of antioxidants जो है ना या free radicals की avengers जो है उनके ऊपर emphasize किया जाता है कि जितना ज्यादा उनको use करेंगे जैसे vitamin C है, selenium है, vitamin E है, इनका इस्तेमाल बेहतर करने से. लेकिन फिर एक बात ये भी की गई है कि these are the pharmacological agents. ठीक है, अगर हम इनको एज अ फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स यूज करेंगे नॉट एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स तो फिर जो है ना वो लॉन्गिविटी मिलती है. और जब हम फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स की बात करते हैं तो फिर हमें आरडीएस वगैरह से निकल के जो एडीआईज हैं वहां से निकल के फिर उनकी हाई डोजेस जो है ना उनकी बात करनी होगी कि ज्यादा हाई यूज करेंगे तो फिर जो है ना वो बेनिफिट्स मिलेंगे. ठीक है, so unfortunately this question has been addressed in very few animal studies and the scarcity of data make it possible to make any conclusive comments on the issue. theek hai, to hame jo conclusive jo message yahan se nikalna chahiye tha wo hame abhi yahan pe nahi milta. for example ek study hai jo retrospective longitudinal studies की क्लास है जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दो तरह की स्टडीज आती हैं. तो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज वो होती हैं कि जिनमें हम इंडिविजुअल्स को फ्यूचर में फॉलो करते हैं, यानी एक ग्रुप है उनके ऊपर इंटरवेंशन लॉन्च की जाती है और उसको फ्यूचर में जो है वो फॉलो किया जाता है.
और इसमें देखा गया कि विटामिन सी की इंजेक्शन से प्रोलॉन्ग लाइफ इन मेल्स बट नॉट इन फीमेल्स. फीमेल के अंदर जो लॉन्गेविटी जो है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं देखा गया डाइटरी इंटरवेंशन जो थी विटामिन सी की एज कंपेयर टू मेल्स. सो देयर इज सम एविडेंस इन रूडेंट्स दैट अल्फा लिपोइक एसिड रिड्यूसेस द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म एंड एक्सटेंड्स द लाइफ. और इसी वजह से जो है अल्फा लिपोइक एसिड जो है इसको एज अ डाइटरी सप्लीमेंट यूज किया जाता है ताकि एजिंग जो है उसकी क्वालिटी को बेहतर किया जा सके. तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी तक जो हमारे पास बेस्ट अप्रोच है वो यही मिलती है कि बैलेंस डाइट इज द बेस्ट सोल्यूशन टू मेंटेन द वेट अराउंड दैट ऑफ द पॉपुलेशन एवरेज. तो वेट जो है उसको आइडियल वेट जिसको हम कहते हैं उसके अराउंड जितना भी कोई इंडिविजुअल मेंटेन रखता है बाय यूजिंग बैलेंस डाइट उतना ही जो है ना वो उसकी लाइफ जो क्वालिटी लाइफ होगी और वो उसकी लॉन्गेविटी जो है वो बेहतर होगी. तो ये भी अभी तक हमने प्राइमरी प्रिवेंशन को कवर किया है. तो प्राइमरी प्रिवेंशन जो है इसमें हमने देखा कि भाई जो डिफरेंट इसके अंदर कुछ हेल्थ इश्यूज जो ओल्ड एज में स्पेशली प्रोलॉन्ग कर जाते हैं उनके हवाले से जो है ना वो बात की गई है और उसमें न्यूट्रिशन को जो है वो देखा गया कि कैसे वो एज अ प्रिवेंटिव बेस वो इसको एक्सटेंड करने में कामयाब होती है. तो सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है ये बेसिकली आप कह लें कि जिसमें हम ऑनसेट जो है वो हो चुका होता है ठीक है अब उस प्रोसेस की उस डिजीज की प्रेवलेंस जो है ना उसको कम से कम रखना जो है वो बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं ठीक है. तो डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सच एज प्लेगरा एंड स्कर्वी इज एक्सट्रीमली रेयर इन ओल्डर पॉपुलेशंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. और इसके रीजंस क्या है कि दे हैव इनिशिएटेड और इंस्टीट्यूटेड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स. बड़ा लंबा अर्सा हो गया उनको फूड फोर्टिफिकेशन जो है ना उसको शुरू किए हुए. मोर कॉमनली सम ओल्डर इंडिविजुअल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम इंटरकरंट इलनेस मे डेवलप ब्रॉडर लाइन डेफिशिएंसी स्टेट्स. अब ये इंटरकरंट इलनेस क्या होती है कि ये हम बोलते हैं कि जब एक डिजीज के अंदर एक और डिजीज जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज का प्रॉब्लम है टाइप 2 डायबिटीज है और उसमें डायबिटिक्स जो है उनके साथ एक यूरिनेशन का प्रॉब्लम ज्यादा होता है. डायरेटिक्स का इशू जो है वो ज्यादा फेस करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है वो यूरिनेशन करते हैं. तो अल्टीमेटली देयर आर चांसेस ऑफ लूजिंग जिंक इन द यूरिन. आप देखें कि एक से दूसरी बीमारी जो है वो फिर वो कैसे एग्रीवेट होती है. तो अल्टीमेटली डायबिटिक्स जो है अगर वो कुछ अरसे बाद अगर उसको लेग अल्सर डेवेल्प हो जाता है और उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और एनोरेक्सिया और डिक्रीज फूड इनटेक जो है वो फर्दर जो है ना एग्रीवेट होती जाएंगी. और इसका जो लेग अल्सर है अगर उसको हील अप करना चाहते हैं वो हील अप क्यों नहीं हो रहा बेसिकली जिंक जो है वो लूज होती जा रही है. तो जिंक जो है वो बेसिकली वुंड हीलिंग के अंदर जो अपना रोल प्ले करती है ठीक है. तो मसला एक डायबिटिक था और फर्दर उसका आपने देखा है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं सिर्फ इस वजह से स्पेशली जो वुंड हीलिंग के एसोसिएटेड है कि जिंक जो है ना उसमें डेफिसिट हो रहा है थ्रू यूरिनेशन. तो अब हल क्या है अगर जिंक को रिप्लेस कर दिया जाए तो अल्टीमेटली हीलिंग प्रोसेस जो है उसको बेहतर किया जा सकता है. इसके अलावा इंडिविजुअल्स जो है उनको एक और प्रॉब्लम आती है नर्सिंग होम के अंदर ओल्ड एज होम के अंदर कि वहां पे वो बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जो है उनका शिकार हो जाते हैं. और उसमें रीजन क्या है कि अगर उनको टाइमली स्क्रीन आउट ना किया जाए टाइमली डायग्नाइज ना किया जाए तो ये फर्दर जाना हुआ आगे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं ठीक है. इसके अलावा ड्रग्स यूज की जाती हैं पोली फार्मेसी में बोलता होता हूँ कि ओल्ड एज के अंदर जाके एक से ज्यादा ड्रग्स जो है वो यूटिलाइज की जाती हैं. तो इंडिविजुअल्स जो ड्रग ले रहे होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स के साथ इंट्रैक्ट कर रही होती हैं इंटरफियर कर रही होती हैं एट वेरियस लेवल्स आइदर एट डाइजेशन लेवल आइदर एट एब्जॉर्प्शन लेवल एट मेटाबॉलिज्म लेवल और एक्सक्रीटरी लेवल्स.
और इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूट्रिएंट ड्रग इंटरेक्शन चैप्टर जो है ना, जिसको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। तो फॉर एग्जाम्पल डायोरेटिक्स अगर यूज कर रहा होता है कोई इंडिविजुअल, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, मैग्नीशियम पोटेशियम जिंक डेफिशिएंसी, इनके होने के चांसेस भी हम ज्यादा है। इसी तरह अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस की थेरेपी कर रहा होता है, उसके लिए ये एक टिपिकल मेडिसिन है जो यूज की जाती है, उसमें विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। लैक्सेटिव यूज भाई, अगर कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए लैक्सेटिव्स हैं उनको ज्यादा यूज किया जाता है, स्पेशली मिनरल ऑयल को यूज किया जाता है, तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए डी एंड के, इनके होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अल्टीमेटली हमने यहाँ पे देखा कि ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन की वजह से एक ड्रग लेने से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। तो फॉर दीज रीजंस इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ओल्ड पेशेंट्स रिसीविंग मेडिकेशंस टू बी मॉनिटर्ड केयरफुली फॉर द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। ठीक है, और बेसिक इसमें अगर आप देखें तो ज्यादा किस चीज के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है कि दे शुड लर्न जस्ट टू से नो टू ड्रग्स। ओल्ड इंडिविजुअल्स जो है ना, उनको एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए टू मिनिमाइज द इनटेक ऑफ ड्रग्स, जस्ट से नो टू ड्रग्स व्हेन दे आर इनएप्रोप्रिएट एज इट इज फॉर आवर यंगर पॉपुलेशन। कि वो इसको एज्यूम करें कि ये हमारे लिए नहीं है, हमारी जो यंगर पॉपुलेशन है उसके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है, ये भी हमने देखा कि एक आम प्रॉब्लम है और स्पेशली ओल्ड एज होम्स के अंदर जो है वो हमें ज्यादा रिपोर्टेड है। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोग्राम्स जो है वो कुछ हमने देखे हुए हैं, जिसमें मील्स ऑन व्हील्स का जिक्र आता है। ठीक है, कॉन्ग्रीगेट मील्स का जिक्र आता है। ठीक, तो इन प्रोग्राम्स का मकसद क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन जो है उनको कम किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा ब्रीवमेंट स्क्वाड्स जो है वो हमें वेस्टर्न सोसाइटी में मिलते हैं। तो ये स्क्वाड्स क्या होते हैं कि स्पेशली वो इंडिविजुअल जिसका ही का शी फौत हो जाता है या शी का ही फौत हो जाता है, यानी एक पार्टनर जो है वो ओल्ड एज में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उनका फिर खाना पीना और बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्टर्ब होती हैं। तो उन लोगों का ख्याल रखने के लिए वहां पे एक स्पेशल किस्म का ग्रुप जो है ना उसको क्रिएट किया गया, और वो लोग क्या करते हैं कि वो फिर उनको उन ओल्ड एज इंडिविजुअल्स को विजिट करते हैं और उनको फूड और उनकी कुछ कंसोल करना, उनकी जो ग्रीवनेस है उसको कम करना, उसमें अपना वो रोल प्ले करते हैं। तो ओल्ड एज सेंटर में कुछ और अप्रोचेज हमने पढ़ी हुई हैं कि जिनको यूज करके माल न्यूट्रिशन को वहां पे कम से कम लेवल पे रखा जा सकता है। तो उसमें एक अट्रैक्टिव फूड की बात की जाती है कि फूड जो है ना उसको अट्रैक्टिव वे से तैयार करना और डाइनिंग जो है ना उसका एनवायरनमेंट बेहतर करना। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि वहां पे म्यूरल्स की बात हो रही थी कि बड़ी बड़ी तस्वीरें जो है वो वहां पे लगाई जाए, वहां पे लाइटनिंग का सिस्टम बेहतर किया जाए, वहां पे जो म्यूजिक है वो सूदिंग किस्म का होना चाहिए, और इसके अलावा डाइटिशियन को हायर किया जा सकता है कि जो डाइट के अंदर मैनेजमेंट या मॉडिफिकेशन इस तरीके से करे कि उसकी पैलेटेबिलिटी भी डिस्टर्ब ना हो और न्यूट्रिएंट का इंटेक जो है वो भी बेहतर साइड पे रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक और कंसर्न आता है ओल्ड एज होम के अंदर कि जिसमें बात की जाती है कि अगर किसी का ओरल इंटेक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है डाइट्री, उसको ट्यूब फीडिंग के ऊपर जो है वो एज अर्ली एज पॉसिबल शिफ्ट कर देना चाहिए। तो इसका मकसद क्या होगा कि जितना अर्ली इंटरवेंशन करेंगे उतना ही हम माल न्यूट्रिशन की फर्दर जो उसका एग्रीगेट होने के चांसेस हैं उसको डिटीरियोरेशन होने से बचाया जा सकता है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट इन मैनी केसेस द बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्यूब फीडिंग इज द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी वेट at the level prevailing at the time of tube insertion. इसका मकसद ये होता है कि at least अगर किसी का 50 kg weight है जब उसको tube feeding पे shift किया गया तो वो 50 kg के ऊपर जो है उसको maintain रहना चाहिए। तो earlier tube feeding जो है उसको शुरू कर देना, ये देखा गया है कि weight की maintenance में role play करता है। ठीक है,
इसी तरह फिर इंडिविजुअल्स के अंदर डायबिटीज मेलाइटस का प्रॉब्लम जो है ओल्ड एज में ये भी ज्यादा हो जाता है 18% तक इंडिविजुअल्स हैं 65 ईयर्स ऑफ एज उनके अंदर डायबिटीज जो है वो डायग्नोज की जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है या मैसेज क्या है कि रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स फॉर डायबिटीज इन सीनियर्स शुड बी अंडरटेकिंग यूजिंग ग्लूकोज और फ्रुक्टोसामीन लेवल्स। ठीक है, अब इनका फायदा क्या होगा? ठीक है, क्योंकि यही जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है ये आगे जाके रेटिनोपैथी न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी यानी किडनीज को डैमेज करेगी नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगी या आई साइट को जाके डिस्टर्ब करेगी और इसके अलावा एथ्रोसेक्लेरोसिस इस तरह के इश्यूज जो है वो भी बढ़ने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन ये यहाँ पे हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में जो डिस्कस कर रहे हैं कि जितना अर्ली इंटरवेंशन इस वाली फेज पे लाई जाएगी उतना ही जो आगे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं टर्शरी लेवल पे उनको रोका जा सकता है। तो अब अभी तक हमने प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है इसमें देखा कि न्यूट्रिएंट्स डाइट इनका काफी ज्यादा रोल है और इनको बेहतर करने से सिचुएशन को बेहतर रखा जा सकता है लाइफ जो है ना उसको माइजरेबल कंडीशंस और हायर मॉर्बिडिटी और हायर मॉर्टेलिटी में जाने से रोका जा सकता है। तो टर्शरी प्रिवेंशन जो है ये लास्ट फेज है इसमें अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज थेरेपी और एग्रेसिव न्यूट्रिशनल थेरेपीज जो है वो इसका मेन कंपोनेंट है। ठीक है, इनको ज्यादा जो है वो कम्युनिटी लेवल पे एम्फिसाइज करने के ऊपर जोर दिया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर उन इंडिविजुअल्स की हम बात करें कि जो प्रोटीन एनर्जी माल नोरिश्ड है और वो ज्यादा अरसा जो है वो हॉस्पिटलाइज रहते हैं या किसी स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी या वहां पे वो अपनी जिंदगी जो है वो बसर करते हैं तो उनको स्वॉलिंग थेरेपी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए जा सकते हैं ताकि उनका इनटेक जो है ना उसको किसी तरीके से बढ़ाया जाए। ठीक है, तो अगर ये काम ना कर रहा हो तो फिर रूटीन मेजर से हटके हीरोइक थेरेपी जो है ना उसको इंट्रोड्यूस कर किया जाता है। तो ये बेसिकली कह लें कि ऐसी थेरेपी हो सकती है कि जिसमें ऐसी मेडिकेशंस का इस्तेमाल हो सकता है कि जो फायदे के साथ साथ नुकसान भी दे रही होती है लेकिन ये देखा जाता है कि अगर नुकसान के साथ साथ फायदा भी हो रहा है ना तो फिर इनको इनकरेज किया जाता है। तो पहली अप्रोच यही है कि आप जो डाइटरी इंटरवेंशन कर सकते हैं और जो सपोर्टिव डाइट थेरेपी की जा सकती है स्वॉलिंग में असिस्ट किया जा सकता है वो बेहतर अप्रोच है और उसके बाद सेकेंडरी जो फिर ऑप्शन रह जाएगा वो हीरोइक थेरेपी आ जाएगी जिसमें एनाबॉलिक ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो उनको यूटिलाइज करवाया जाता है। तो हार्मोन्स ये बेसिकली आप समझते हैं कि सारे स्टेरॉइड्स टाइप होते हैं और इनके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो भी काफी सीवियर लेवल पे रिपोर्टेड हैं। द एबिलिटी ऑफ हैंडीकैप्ड आर फ्रेजाइल एल्डरली पर्संस, ठीक है, और स्पेशली कौन से जो खाना पीना जाए जिनका डिस्टर्ब हो चुका है कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड ईटिंग यूटेंसिल्स दैट हैव बीन डेवलप्ड टू एड पेशेंट्स विद स्ट्रोक। ये हम काफी हद तक पहले भी शेयर कर चुके हैं ऐसे यूटेंसिल्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिनमें ग्रिप स्ट्रेंथ जो है ना उसको बेहतर किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो एक कह लें कि मटेरियल की हैंडलिंग और ग्रिप जो है उसको रोकने के लिए सिचुएशन को जो है वो बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यूटेंसिल्स हम काफी डिटेल के साथ जब वो पहले डिस्कस कर चुके हैं तो इन चीजों को इन स्ट्रेटजीज को भी इंट्रोड्यूस करके जो एज एसोसिएटेड हेल्थ इश्यूज हैं और स्पेशली जो माल न्यूट्रिशन के रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हैं उनको कम किया जा सकता है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो हैं उनको वहां पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए और इसमें फिजिकल थेरेपिस्ट जो है और फिजियाट्रिस्ट बेसिकली स्पेशलाइज्ड फिजिशियन जो है वो थेरेपी के अंदर उनको वहां पे इंटरवीन करना चाहिए और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की तरफ आना चाहिए। एक्सरसाइज प्रोग्राम शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल पेशेंट्स इन रिहैबिलिटेशन और जेरियाट्रिक इवैल्यूएशन वार्ड्स एज वेल एज फॉर दोज इन द नर्सिंग होम्स। ठीक है,
तो इसके पॉजिटिव इंपैक्ट देखते हुए ये सजेस्ट किया जाता है कि दीज प्रोग्राम्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट ऑल रेजिडेंसीज फैसिलिटीज। चलें जी, अब हम कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन में ये आता है कि अभी तक हमने जितना भी सारा गो थ्रू किया है ना, स्टाफ डिफरेंट प्राइमरी सेकेंडरी और प्रिवेंशन टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर, तो इसमें हमें अभी भी बाज ऐसी चीजें हैं कि जिनमें दो दो तरह की डैमेज नजर आ रही है कि एक तरफ हम कोलेस्ट्रॉल को कम करना सजेस्ट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम हायर एंट्री इनटेक जो है उसको हम लॉन्गेविटी के साथ लिंक कर रहे हैं। एक तरफ हम सोडियम का इंटेक कम करने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम समझ रहे हैं कि उसे जो फूड की इनटेक जो है वो डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं और जो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली फिर हम सजेस्ट करते हैं कि वहां पे भी जुडिशियस यूज जो है वो होना चाहिए। तो आवर नॉलेज कंसर्निंग न्यूट्रिशनल प्रिवेंशन ऑफ एज एसोसिएटेड डिजीजेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ टू ब्लाइंड मेन, वन एट द ट्रंक एंड वन एट द टेल ऑफ द एलिफेंट। तो ये कहानी आपने सुनी होगी कि एक आदमी हाथी की दोम पे बैठा हुआ है और एक उसकी जो है वो सूंड पे बैठा हुआ है। तो अगर उससे पूछा जाए कि हाथी कैसा है तो वो उसको सेंस करके बता रहा है कि भाई ये इस तरह का होता है, और अगर टेल वाले से पूछा जाता है तो वो उसको सेंस करके उस ऑर्गन को सेंस करके बता रहा होता है कि हाथी ऐसा है। तो इसको हम इस तरीके से लिंक कर सकते हैं कि जिसको जो भी समझ आ रही है, जिस तरह की भी स्टडीज हैं उस तरीके से हम देखें तो हमें अभी कोई जो एविडेंस बेस्ड और कंक्रीट जो स्टडीज के रिजल्ट्स मिलने चाहिए ओल्ड एज के हवाले से अभी हम उसमें लैक कर रहे हैं। वी हैव मेड एन एक्सीलेंट स्टार्ट इन अंडरस्टैंडिंग द न्यूट्रिशनल बेस ऑफ सम डिजीजेस, बट द लैक ऑफ फुल अंडरस्टैंडिंग मेक इट डिफिकल्ट टू बी एब्सोल्यूटली सर्टन दैट एनी रिकमेंडेशन विल बी प्रूवन टू बी करेक्ट। At the moment, we are unable to suggest or recommend interventions which are 100% correct. अब next जो table है उसमें जो potential nutritional approaches use की जा सकती हैं उनको हम यहाँ पे उसका एक overview ले लेते हैं, ठीक है। However, it should be remembered that in many healthier individuals, the less we intervene, the more likely they are survive. तो इस वाले केस में जितना कम से कम इंटरवेंशन करेंगे ना उनका, उतना ही जो है ना वो सिचुएशन और ये उतना ही वो बेहतर होगा, rather than कि हम अपनी जो फाइंडिंग्स है ना उनके सिलसिले में, उनको इम्प्लीमेंट करने के सिलसिले में उनके ऊपर जो है ना वो चीजों को इम्पोज करना शुरू कर दें, ठीक है। तो लेस से लेस इंटरवेंशन जो है ना ये अभी तक कंक्लूजन है कि वो बेटर अप्रोच है। न्यूट्रिशनल अप्रोचेस टू प्रिवेंट एज एसोसिएटेड डिजीजेस अगर हम देखें तो इसमें कुछ ऐसी हैं जिनको हम हाईली रिकमेंडेड बोल सकते हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको पॉसिबल रिकमेंडेशन का नाम दिया गया और कुछ ऐसी हैं कि जिनका अभी अनसर्टन वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट करती है। और फिर इनकी तीन स्टेजेस हैं प्रिवेंशन और प्राइमरी प्रिवेंशन, ये ऑलमोस्ट समरी है भाई, हमने अभी तक ये सारी चीजें मुख्तलिफ शुरू वाला पार्ट जो था लेक्चर का उसमें भी देखी है और लास्ट जो पार्ट था उसके अंदर भी हमें वेरियस फॉर्म में नजर आती है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी प्रिवेंशन क्या हो सकती है, नो एडेड सॉल्ट, और लिंक किसके साथ है, हाइपरटेंशन के साथ। और अगर कैल्शियम सप्लीमेंटेशन यूज करते हैं तो बोन और हाइपरटेंशन दोनों को बेहतर किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। इसी तरह फिश का इनटेक जो है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज रखता है। इसके अलावा वेरी हाई इनटेक ऑफ फैट्स जो है उससे अवॉइड करना ये कैंसर को अवॉइड करने के प्रॉपर है। मॉडरेट एक्सरसाइज को इंड्यूस करना कैंसर सीवीडीज और बोन की स्ट्रेंथ में रोल प्ले कर सकता है। और मील्स एट सीनियर सिटीजन सेंटर्स जो है ये बेसिकली माल न्यूट्रिशन जो है वो उसको कम करने में हेल्प कर सकता है, जिसमें मील्स ऑन व्हील्स जो है ये स्पेशली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है उसको टैकल करने में हेल्प कर सकते हैं। और विटामिन डी जो है इसको इस्तेमाल करने से हिप फ्रैक्चर को कम किया जा सकता है। तो ऑल दीज आर दी प्राइमरी प्रिवेंशंस। और इन केस ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशंस मोर एम्फेसिस इज ऑन स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग करके अर्ली